हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, अभी हमने अपनी गाड़ी के टायर्स अपग्रेड करवाए हैं और ये गाड़ी की डिलीवरी की वीडियो भी लाइव है। अगर किसी ने नहीं देखी है डिलीवरी की वीडियो तो आई बटन में लिंक आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके मैंने जो टायर्स थे वो HT टायर्स देकर इसमें ऑल टेरेन टायर डलवाए थे, उसकी भी वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो आई बटन में उसका भी लिंक आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने, जैसे आपको पता है, ये स्कॉर्पियो N का टॉप एंड मॉडल परचेस किया है मैनुअल में। मैनुअल की पहचान ये है, एक तो इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं टॉप में और इसमें ये गियर आप लोग देख सकते हैं। तो Z8L लेने का मेरा मेन पर्पस ये था कि वैसे तो मैंने Z8 बुक करी थी, अब उसकी जो स्टोरी है सारी वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर। अभी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इसकी एक्सेसरीज के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को एक्सेसरीज के ऊपर ही रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेसरीज का इसका क्या था। हमें महिंद्रा से जब गाड़ी मिली थी तो कुछ एक्सेसरीज हमें इसकी मैंडेटरी महिंद्रा से लेनी पड़ी थी, क्योंकि उसके बिना वो गाड़ी ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने उनसे कहा था कि हमें ज़्यादा पैसे की एक्सेसरीज नहीं चाहिए, तो उन्होंने कुछ हिसाब बनाया था, मैं आपको सब बताऊंगा वो क्या हिसाब था। बाकी दूसरी चीज़ जो थी गाड़ी की, कुछ एक्सेसरीज मुझे लेनी थी जो मैंने बाहर से परचेस करी हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दोनों दिखाऊंगा कि कौन सी मैंने कंपनी से परचेस करी है और कौन सी मैंने बाहर से ली है, और फिर उसके बाद मैं आपको कंपेरिजन बताऊँगा, रेट लिस्ट दिखाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी जो है मैंने अभी जब से ली है अब तक 310 किलोमीटर ही चली है, और थोड़ी सी तो कंपनी से भी चल के आई थी 120-125 किलोमीटर। गाड़ी ज़्यादा भी चलाई भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं हुआ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं आपको दोनों एक्सेसरीज दिखाऊंगा जो मैंने कंपनी से ली है प्लस मैं बाहर से लाया हूँ, फिर मैं आपको रेट लिस्ट दिखाऊंगा, कंपेरिजन बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो पहली एक्सेसरीज जो मुझे कंपनी से लेनी पड़ी वो ये थी, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट। और ये गाड़ी की स्कफ प्लेट है जो नाम की आती है। इसमें एक और थी, नॉर्मल वाली भी थी और ये लाइट वाली थी, तो मैंने कहा एक ये लगवा लेते हैं, ठीक है। तो एक मैंने इनकी ये लगवाई थी। और दूसरी एक्सेसरीज मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी ये बम्पर प्रोटेक्टर है, ये चारों कॉर्नर्स में लगते हैं बम्पर के, दो आगे के बम्पर पे और दो पीछे के। तो ये चारों बम्पर के प्रोटेक्टर्स लिए थे मैंने, ये भी कंपनी से ही लगवाए थे। तीसरी चीज़, हमें ये मड फ्लैप लिए थे मैंने कंपनी से ही, चारों मड फ्लैप थे ये चारों टायरों के पीछे से, ठीक है। तो तीसरी हमारी ये चीज़ थी। और चौथी एक्सेसरीज हमने ये लगवाई थी, इसका रियर गार्ड स्टेनलेस स्टील में। तो मेन इसकी ये थी, ये ज़्यादा कॉस्टली था। बाकी तो ये चारों चीज़ें में सबसे ज़्यादा कॉस्टली हमें ये स्टील का यही पड़ा है, रियर गार्ड। बाकी चीज़ें तो सस्ती थी। बाकी इल्यूमिनेटेड जो लाइट है इसकी, ये वाली जो लाइट है इसकी, ये भी 3800 की पड़ी थी हमें। बाकी मैं आपको सब चीज़ों का रेट बताऊंगा। तो ये चार चीज़ें तो मैंने कंपनी से ही ली थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो आज मैं गया था कश्मीरी गेट और जो एक्सेसरीज मैं इसकी ख़रीद के लाया हूँ, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके मैट दिखा देता हूँ। तो मैं इसके ये मैट लेके आया हूँ, ये 70 मैट्स होते हैं, और ये मैट थे इनकी अच्छी, उन्होंने मुझे बताई है कि इसकी अच्छा इसका लाइफ है। बाकी मुझे पता नहीं कौन सा ब्रांड है ये, लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि इसकी अच्छी क्वालिटी है और देखने में भी अच्छी क्वालिटी लग रही थी इसकी। तो ये मैट लेके आया हूँ मैं, मैट आप लोग देख सकते हैं, ये बीच की सीट का है, ये आगे का है, और ये भी दोनों आगे के हैं, और ये सबसे पीछे का है, ये सबसे पीछे का है इसका। तो ये मैट लिए थे हमने, ये हम लोगों ने कश्मीरी गेट से लिया है सारा सामान। करोल बाग में गया ही नहीं, क्योंकि कश्मीरी गेट पे मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छे सामान रेट पे मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू करोल बाग। तो दूसरी एक्सेसरीज हमारी ये है, मैं आपको पहले बॉक्स दिखा देता हूँ। तो ये गैलियो के हमने डोर वाइज़र लिए हैं, इसको कोई सन वाइज़र कोई कहता है, रेन वाइज़र कहता है, तो ये हमने गैलियो कंपनी के लिए हैं, गैलियो के अच्छे होते हैं। और ये हमने क्रोम वाले लिए हैं, और ये क्रोम वाले जो हैं ये चारों सेट के हैं हमारे, दो ये हो गए और दो ये हैं, इसमें पीछे वाले पे नाम भी लिखा हुआ है गाड़ी का, ये देख लीजिए। तो ये प्रॉपर स्कॉर्पियो N के ही हैं। और जो तीसरी एक्सेसरीज मैं इसकी लेके आया हूँ वो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर कोई ले, बस ये है कि मेरे को ज़रूरत रहती है इसलिए मैंने ली है। तो ये इसके आपके शेड्स हैं, सन शेड्स, और ये सबसे पीछे का है इसका लंबा वाला, और ये बाकी सनशेड हैं जो पीछे के हैं, मतलब सारे मिरर के हैं। ये दो बीच के हो गए और बाकी भी हैं सारे। तो ये कुछ एक्सेसरीज हैं जो आज मैं कश्मीरी गेट से लेके आया हूँ।
अब मैं आपको रेट लिस्ट बताता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ है मुझे कंपनी में कितने की मिल रही थी और मैं बाहर से कितने की लेके आया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कंपनी से कितने की क्या है, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये है इसकी महिंद्रा की ओरिजिनल रेट लिस्ट एक्सेसरीज़ की, और ये मैंने एक ले ली थी, उन्होंने मुझे दिया था कि आपको कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह लगानी हो तो आप इसमें से देख सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पर इसके रेट वगैरह पढ़ लीजिएगा। इसमें से ही मैंने जो ये एक्सेसरी लगाई है, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट और अपना बम्पर गार्ड, बाकी मड फ्लैप वगैरह या रियर गार्ड जो भी लिया है वो इसी में से लिया है। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसमें कि मैट कितने महंगे हैं, 10,000 रुपये के मैट हैं इसमें, 70 मैट 10,000 रुपये के हैं। तो अब आप क्वालिटी में देखिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि 10,000 रुपये के हैं। मैं लेके आया हूँ, मुझे काफ़ी आप समझ लीजिए 3 टाइम सस्ते मिले हैं, तो हर कोई चाहता है कि थोड़ा कम में ही मिल जाए, इसलिए मैंने महिंद्रा से जो नॉर्मल चीज़ें थी वही ली हैं, जैसे ये लाइट वगैरह हो गई जो भी हो गया, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें महिंद्रा से नहीं ली क्योंकि महिंद्रा में काफ़ी महंगी चीज़ें हैं। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ इतना सस्ता हो हर चीज़, और ये महिंद्रा ही नहीं जितनी भी कंपनी है सबकी जितनी भी एक्सेसरीज़ की रेट लिस्ट होती है वो ऐसी ही होती है। मैं तो फिर भी ये है कि मुझे तो फिर भी थोड़ा कम में ही काम हो गया मेरा, नहीं तो और कंपनीज़ में जो है या और लोगों को तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ को करते हैं, जैसे थार के टाइम पे था बहुत सारी ज़बरदस्ती एक्सेसरीज़ लेनी पड़ रही थी थार के लिए, मेरे को तो गाड़ी काफ़ी इजीली मिल गई, एक्सेसरीज़ मुझे थोड़ी बहुत ही लगानी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग आपको आराम से मैं आपको बताऊँगा कि मेरे को जो है Z8 मैंने बुक करी थी और Z8L मैंने कैसे ले ली। तो मैंने आप लोगों को रेट लिस्ट वगैरह सब दिखा दिए, कंपैरिजन दिखा दिया है कि अगर हम कंपनी से लें एक्सेसरीज़ और बाहर से लें तो कितना फ़र्क आ जाता है। तो अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने लाइव ही सारी एक्सेसरीज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट से, और ये जो मैट्स हैं इनको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि इनकी क्या फिनिशिंग आ रही है और कितना ये एरिया कवर कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड से और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये मैट लगा लिए हैं इसमें, और ये आप लोग देख सकते हैं मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे कट करना पड़ा, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। जो इसके ये 70 मैट्स आते हैं इसकी वजह से क्लच में थोड़ा इशू आ रहा था, क्लच पूरा प्रॉपर नहीं दब पा रहा था, तो फिर मुझे यहाँ से थोड़ा कट करना पड़ा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कट हो गया है यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन ये अब कंप्लीट इसका प्ले हो गया क्लच का। तो अगर इसको मैं नहीं कट करता तो मुझे क्लच प्लेट का इशू भी आ सकता था, इम्प्रॉपर अगर क्लच दबता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कार के साथ, इसलिए। बाकी इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कंप्लीट फिटिंग है इसकी, और ये इसी के लिए है, थोड़ा सा यहाँ से ये फोल्ड हो रहा है, ये सही हो जाएगा अभी थोड़े टाइम बाद जब यूज़ होगा। बाकी ये मैट मैं आपको बीच का भी दिखाता हूँ, ये पूरा प्रॉपर फिट हुआ है हर तरफ से, यहाँ से भी अंदर तक पूरा फिट हो गया ये, और इसी तरीके से सबसे पीछे का भी फिट हुआ है ये, ठीक है। और वो पीछे वाला मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है घर में। बाकी जो दूसरी एक्सेसरीज मैंने लगाई है वो ये नेल गार्ड लगाया है जो डोर हैंडल में लगता है, ये नेल गार्ड, इससे नेल का कोई निशान ना आए, ये लगा दिया है। और जो तीसरी एक्सेसरीज है हमारी वो है इसके डोर वाइजर्स, और ये गैलियो कंपनी के ही लाया था मैं, पूरी प्रॉपर फिटिंग आई है इसकी, ये मैंने खुद फिट करे हैं अभी। बाकी एक्सेसरीज मैंने आपको दिखाई दी जो कंपनी से लग के आई हैं, और यही 3 एक्सेसरीज मैं लेके आया था। तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, ये गैलियो के जो रेन वाइजर मैं लाया हूँ ये 1700 के पड़े हैं मुझे, 1700 रुपये के, और ये जो नेल गार्ड है ये भी गैलियो कंपनी का है, ये मुझे पड़ा था 400 रुपये का, और ये जो डोर मैट्स लाया हूँ मैं ये मुझे पड़े हैं 3600 के, 3600 रुपये के। बाकी एक्सेसरीज़ की जो मैं बात करूँ अगर कंपनी की, तो मड फ्लैप मुझे उन्होंने दिए थे 1200 रुपये के, ये वाले जो मड फ्लैप होते हैं ये, और जो ये लाइट है ये है 3800 रुपीज़ की। बाकी अगर मैं बात करूँ उसका बम्पर गार्ड का तो ये 600 रुपये की। तो यही कुछ एक्सेसरीज हम लोगों ने लगाई है गाड़ी में, बाकी जो है जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। और अभी मैंने इसका एक ऑनलाइन ये भी मंगवा रखा है, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा इसका स्क्रीन गार्ड, तो थोड़े टाइम बाद में वो जैसे ही आ जाएगा स्क्रीन गार्ड वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लगाकर, इसके लिए भी मैंने स्क्रीन गार्ड ऑर्डर कर रखा है। बाकी गाड़ी थोड़ी बहुत साफ़ कर दी है मैंने, थोड़ी गंदी हो गई थी घर में खड़े होकर। तो ठीक है, इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो जुड़े रहिए चैनल से, और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रहमान ड्राइव्स, गुड बाय, सी यू।